हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉम कैनवास लिटिल स्टार आर्ट रूम। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ एक लैंडस्केप ड्राइंग विद ऑयल पेस्टल कलर। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्राइंग। तो फ्रेंड्स, मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं ब्लैक स्केच पेन से लाइन ड्राइंग कर रही हूँ। आप चाहो तो आप पेंसिल से भी लाइन ड्राइंग कर सकते हो। मैं पहले एक कोकोनट ट्री ड्राइंग कर रही हूँ। अब देख रहे हो ना मैं कैसे ट्री का लीव्स कर रही हूँ। मैं वेरी स्लोली आपको दिखा रही हूँ। अगर आप स्लोली देखोगे तो आपको ड्राइंग करने में बहुत ही आसान होगा। अब मैं लैंड ड्राइंग कर रही हूँ। नाउ ग्रास ड्राइंग कर रही हूँ। मैं सामने में जो रॉक्स है वो कर रही हूँ। अब मैं और एक लैंड कर रही हूँ। नाउ पीछे में एक ट्री है वो ड्राइंग कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरा लाइन ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है कलर की। और इस ड्राइंग में मैं जो जो कलर यूज करने वाली हूँ वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए करते हैं कलर। फ्रेंड्स, मैं पहले स्कारलेट कलर यूज कर रही हूँ स्काई में। आपको फर्स्ट बहुत ही स्लोली बॉर्डर कर लेना है सन को। अब आप स्कारलेट लगाओ स्काई में। अब देख रहे हो ना फ्रेंड्स मैं कैसे स्कारलेट कलर कर रही हूं। इस साइड में भी थोड़ा सा स्कारलेट लगा रही हूं मैं। अब मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूं। अब मैं डीप येलो कलर यूज कर रही हूँ। मैं इस ड्राइंग में एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम सिंपल वे से आपको दिखा रही हूँ। आई होप अगर आप ये वीडियो अगर अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप ये ड्राइंग कर पाओगे। अब मैं मीडियम येलो कलर कर रही हूँ स्काई के जो बाकी पोर्शन है उसमें। अब मैं व्हाइट कलर दे रही हूँ वाटर बॉडी में। नाउ स्काई ब्लू।
फ्रेंड्स, अगर आप इतना ही इजी, सिंपल और स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग देखना चाहते हो तो लिटिल स्टार को फॉलो करते रहिए। अब मैं कोबर ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। क्योंकि लिटिल स्टार में हम ऐसे इजी, सिंपल स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग अपलोड करते रहेंगे। इधर भी मैं कोबाल्ट ब्लू कलर लगा रही हूँ। नाउ फिर से मैं स्काई ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। इस ड्राइंग में मैं जो जो कलर यूज कर रही हूँ वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है स्टेप बाय स्टेप, और मेरे वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है कि ये कौन सा कलर है। और हाँ, मैंने बहुत जगह में सेम कलर यूज़ किया है, तो जहाँ जहाँ मैं वही सेम कलर यूज़ किया है वहाँ आपको कलर का नाम बार बार नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं एक बार ही आपको बोल चुकी हूँ कि वो कौन सा कलर है। अब मैं येलो आकर कलर यूज़ कर रही हूँ। नाउ ब्राउन। नाउ ब्रांड अम्बर कलर यूज कर रही हूँ मैं। अब मैं डार्क ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ लीफ में। लाइट ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। नाउ लेमन येलो। मैं इस ड्राइंग में आपको जो जो कलर दिखा रही हूँ वो पर्टिकुलर कलर अगर आपके पास ना हो तो आपके पास उसका सिमिलर जो भी कलर है उससे ही करो। अब मैं सैफ ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। ये लाइन का इस पोर्शन बहुत ही डार्क होगा, इसलिए मैं सैफ ग्रीन यूज कर रही हूँ। नाउ डार्क ग्रीन। नाउ लाइट ग्रीन। नाउ अगेन लेमन येलो। नाउ मैं ब्राउन यूज कर रही हूँ। नाउ ब्राउन टेम्बर। अब फिर से मैं डीप ग्रीन यूज कर रही हूँ ये ट्री में। नाउ लाइट ग्रीन। नाउ लेमन येलो। इधर भी मैं सेम कलर ही यूज कर रही हूँ, सैप ग्रीन। Now deep green. Now light green. Again, I am using lemon yellow color. ये ग्रास में मैं डार्क ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ। अब मैं ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल से बॉर्डर कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल ना हो, अगर आपके पास इसके बदले में ग्लास मार्किंग पेंसिल है, आप उससे ही करो।
अब मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रही हूँ वेरी स्लोली, बहुत ही स्लोली और केयरफुली आपको मास्किंग टेप रिमूव करना है। तो फ्रेंड्स, ये ड्राइंग अगर आपको अच्छा लगा, मुझे इस वीडियो में लाइक और शेयर जरूर चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ड्राइंग। तो कैसा लगा आपको ये ड्राइंग? अगर ये ड्राइंग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा पेंटिंग और ड्राइंग रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए हर रोज लाती रहूंगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।